तो बच्चों, हमने अपने पिछले पाठ में जाना भोजन क्या है, भोजन का काम क्या है, भोजन कितने टाइप का होता है, भोजन हमें कहाँ से मिलता है। तो इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीव जंतु क्या खाते हैं। तो बच्चों, आपको पता है जीव जंतु क्या खाते हैं, हाँ या ना? अगर पता है तो भी अच्छी बात है, और नहीं पता तो इस बात का जवाब मैं आपको देता हूँ। ये क्या है? ये गाय है। और गाय क्या खाती है? गाय खाती है भूसा, चारा, पेड़ पत्तियाँ और भी शाकाहारी चीजें, यानी वेजिटेरियन भोजन करती है। ये क्या है? ये है बिल्ली, शेर की मौसी। ये क्या खाती है? बेचारा नन्ना सा चूहा। तो ये नॉन वेजिटेरियन भोजन करती है। आप सभी ने प्यासे कौवे की तो कहानी सुनी होगी। तो ये क्या है? ये है काला सा कौवा। ये क्या खाता है? बासी रोटी और मांस के टुकड़े। तो हमारा कौवा कैसा जीव हुआ? कौवा हुआ सर्वाहारी, माने ओमनिवोरस, सब टाइप का भोजन करने वाला, नॉन वेज व वेज। तो ऐसे प्रजाति के जानवरों क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। अब जब हमने देख लिया कि भिन्न भिन्न जानवर भिन्न भिन्न खाने के इनकी आदतें, तो अब बारी आती है इनको डिवाइड करने की। तो जानवरों को उनकी आदतों के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम जानवरों को उनके खाने की आदतों पर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आता है हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जीव जंतु सिर्फ घास फूस, फल फूल या पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे गायें, भैंस, बकरी। इसके जस्ट ऑपोजिट, यानी इसके विपरीत, जो जीव जंतु मांस खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कार्निवोरस, यानी मांसाहारी। और इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं ओमनिवोरस, जो कि शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को हम ओमनिवोरस कहते हैं। तो बच्चों, अब आपने जाना कि जानवर अपने खाने की आदतों के आधार पर कितनी तरीकों से हम उन्हें डिवाइड करते हैं। अब जब आप भोजन यानी फूड के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं, उनकी स्रोत को समझ चुके हैं, उनकी सोर्सेस को समझ चुके हैं, उनके यूसेजेस को समझ चुके हैं, तो बच्चों, अब जानवरों को जो आप देखेंगे, उनको उनकी खाने की हैबिट्स के हिसाब से, यानी फूड हैबिट्स के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के टेबल बना के नोट करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? आप खुद समझ पाएंगे कौन सा जानवर हर्बीवोरस है, कौन सा ओमनिवोरस है और कौन सा कार्निवोरस है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। अब जब आप बाहर जाएंगे भी, तो क्यों ना हम पेड़ पौधों को भी देख लें। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि अब जब आप बाहर जाओगे, तो अपने आसपास के पेड़ पौधों को भी देखो, और उनका हम कौन सा भाग खाने में यूज़ करते हैं, इसका भी टेस्ट दे दो। तो आप बाहर जाएं और देखें कौन से पेड़ का हम कौन सा भाग खाने में उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको भोजन के बारे में सारा नॉलेज मिल गया होगा। बट इस दुनिया में ज्ञान नॉलेज बहुत सारा है, इसलिए बाहर निकलें और अपने आसपास मौजूद चीज़ों से अपना ज्ञान बढ़ाएं, और जानें कि किस तरीके से हम प्लांट से, एनिमल से हमें क्या क्या, किस टाइप का भोजन मिल सकता है। और इसी के साथ शिक्षा मिशन की अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।